हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सही, आज जो है ना ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं अपनी बलेनो का। वो रही अपनी बलेनो, अल्फा मॉडल है, टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स मिलते हैं। तो क्या है, सारे फीचर्स एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा मैं आपको, और एक रिव्यू भी मैं आपको देने वाला हूं कि गाड़ी कैसी है चलने में, मतलब कंफर्टेबल है नहीं है, जो भी चीज़ें मैं सारी आपको आज बता दूंगा। और ये जो अपना ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर में क्या है ना कि अच्छी लगती है गाड़ी, इसलिए जो अपन ने ग्रे कलर लिया था। तो चलिए ड्राइव करते हैं और देखते हैं, जो भी होगा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा लास्ट में कि किसके लिए ये गाड़ी बनी है, किसके लिए नहीं, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलेगा इस वीडियो को। सो गाइस, ये रही अपनी गाड़ी। रात को ना बारिश आ गई थी तो थोड़ी सी गंदी हो गई, थोड़ी सी क्या यार, अच्छे से गंदी हुई है। उसके ऊपर जो फूल से लगाए थे ना भाई, उन्होंने मतलब उन्होंने इतनी स्क्रैच डाली है ना यहाँ पे, हालांकि साफ कर दिया गाड़ी को नाइट में जैसे हमने चलाई थी, बट यहाँ पे स्क्रैचेस जो है ना काफ़ी सारे आ गए हैं। तो कभी भी आप शोरूम से गाड़ी निकाल रहे हो तो थोड़ी दूर तक रखना, लाइक घर तक आप वो फूल वगैरह रखना जो लगाते हैं वो, उसके बाद हटा देना, ज़्यादा बेटर होगा। और कुछ ऐसी लग रही है अपनी गाड़ी, इसकी DRLs वगैरह फिलहाल ऑन है, तो देख सकते हो कुछ ऐसी लगती है इसकी DRLs वगैरह डे टाइम में। आई थिंक ऑन है इसकी DRLs, ऑन नहीं, सॉरी गाइस, इसकी DRLs ऑन नहीं है, मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और जिसकी HUD है ना वो कुछ ऐसी है, सारी डिटेल्स जो है ना यहाँ से आती है, मैं आपको दिखाऊँ एक चीज, यहाँ से आती है ये रही, तो यहाँ से लाइट वगैरह कुछ मारता है ये, देखो मतलब साइड से भी दिख रही है, यहाँ से भी मेरे को, और ये HUD, तो HUD पे वो शो करता है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, DRLs वगैरह मैं ऑन करके आपको और फिर दिखाता हूँ एक बार। तो अभी देखते हैं DRLs वगैरह कैसी लगती है। तब देखो ये है DRLs, मस्त लगती है मतलब डे टाइम में। और हेडलैम्प्स भी ऑन कर लिए मैंने, तो कुछ ऐसी अपनी गाड़ी लग रही है, फ्रंट में कैमरा वगैरह है। तो चलिए चलते हैं अंदर एंड चलाते हैं गाड़ी। एंड एक और चीज़, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मैनुअल मॉडल है तो इसकी जो स्मूथ गियर शिफ्टिंग है ना वो आपको इम्प्रेस कर सकती है, जो कि हर कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये जो है ना काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है, क्लच वगैरह काफ़ी लाइट है, तो आप इजिली जो है इस गाड़ी को चला सकते हो सिटी हाईवे दोनों पे। सलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सही, मैं चला रहा हूँ अपनी नई नवेली बलेनो 2022। ये जो इसका अल्फा वेरियंट है, लाइक इससे ऊपर सिर्फ ऑटोमेटिक आता है, फीचर्स सारे सेम है, उसमें क्या है कि हिल होल्ड आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में ज्यादातर वो मिल ही जाता है फीचर, बाकी जो है सारे फीचर्स सेम है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो करता है, स्पीड वगैरह, टाइमिंग वगैरह, एवरेज वगैरह सब कुछ जो है शो करेगा। एंड फिलहाल जो स्पीड है वो लगभग 60 के अराउंड में चल रहा हूँ, हाईवे पे हूँ मैं, अपना दिल्ली जयपुर जो हाईवे है, तो इस पे अपन जो इसको ड्राइव कर रहे हैं। और ड्राइव रिव्यू चाहता तो मैं कल ही डाल देता, बट क्या होता है कि थोड़ा यूज़ करते हैं गाड़ी को, उसके बाद में पता चलती काफ़ी सारी चीज़ें, एंड उसके बाद में आपके साथ शेयर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं उस पहले तो लाइक शेयर कर भी दूँ तो फिर कोई मतलब नहीं होता यार उसका, काफ़ी सारी चीज़ें जो बाद में ही पता चलती हैं, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुछ दिन बाद पता चलेंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बस आप लोग जो है ना चैनल पे बने रहिएगा, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू। फिलहाल मैं चल रहा हूँ 60 की स्पीड में अपने इस हाईवे पे, और यहाँ पे ट्रैफिक जो है काफ़ी कम है, ज़्यादा ट्रैफिक जो है नहीं होता है यहाँ पे, लाइक बंदा चल सकता है आराम 60-70 तक। और क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब कुछ गाड़ी में आपको देखने को मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल जो है 40 के बाद एक्टिवेट होता है, एंड बाकी नॉर्मल सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अपना स्टेयरिंग जो है वही है फ्लैट बॉटम, जो स्विफ्ट में हम देखते आ रहे थे अभी तक, तो वो ये अपना स्टेयरिंग है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, 28 मिनट्स का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है। तो आपको बता दूँ, जो इसका एंड्रॉयड ऑटो है ना वो तो चलेगा परफेक्टली, लाइक जो मैं बोल रहा था ना कि कुछ चीज़ें बाद में पता चलती है यूज़ करने के बाद, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो एप्पल कारप्ले है ना वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, लाइक लैग नहीं, आप उसमें मैप्स चलाते हो ना तो बिल्कुल भी परफेक्टली वो चलेगा ही नहीं। मैंने उसमें मैप्स लगा रखा था एंड इतनी बार रीरूट करता रहा ना वो, लाइक उसमें अभी भी लैग है। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर के साथ जो है जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो फिक्स कर देंगे मारुति वाले, ठीक है। बाकी गाइस मैं बात करूँ कंसोल वगैरह की, तो विजिबिलिटी मस्त है, देखने में अच्छा लगता है, और बाकी डैशबोर्ड भी जो है काफ़ी प्रीमियम लगता है। ये गाड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ये जो पूरा अपना एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है पूरी स्क्रीन में आता है 9 इंचेस में। ये नहीं है कि स्क्रीन लाइक जैसे अपनी और अदर गाड़ियों में होता है ना, कई गाड़ियों में जिनमें फुल स्क्रीन में जो है मैप वगैरह फिर एप्पल कार प्ले वगैरह एंड्रॉयड ऑटो फुल स्क्रीन में नहीं दिखता, साइड में कुछ कंट्रोल्स दिए होते हैं, लेकिन इसमें जितने भी कंट्रोल वो नीचे दिए गए हैं टच में, तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि फुल स्क्रीन में जो है आप इंजॉय कर पाओगे एंड्रॉयड ऑटो भी और एप्पल कार प्ले भी। तभी जो एवरेज मेरे को मिल रही है वो 17.6 की MID में शो कर रहा है। वैसे माइलेज टेस्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, जाके आप देख लेना, और हाईवे पे जो गाड़ी की लाइक रिफाइनमेंट है ना वो पता चलती है, टायर नॉइस हल्की हल्की जो है गाड़ी में आती है,
बिकॉज लो प्रोफाइल टायर्स हैं तो साउंड तो जो है हल्की बहुत कैबिन में आएगी, बट इंजन की कोई साउंड यहाँ पे कैबिन में नहीं आती है। और जैसे कि आप देख रहे हो लाइक 62 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो क्या है कंट्रोलिंग वगैरह भी अच्छी है। इन गाड़ियों को जो है ना आप भाई ज्यादा स्पीड में ना चलाओ तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मारुति की कार्स जो है ना चलने में अच्छी होती है बट बगाने के लिए नहीं बनती। बगानी है तो आप थोड़ा टाइम वेट करो, पैसे जोड़ो और कोई स्पोर्ट्स कार लो यार, फिर इंजॉय करो। इन गाड़ियों से लाइक अपन बगा के इंजॉय करेंगे ना तो ये गाड़ियां जो है ना जल्दी ही जवाब दे देती है, जल्दी ही जो है इनके मतलब हो जाते प्रॉब्लम, समझ जाओ बस आप। ठीक है, तो अभी जो है इस आपको बता दूं जो इसमें एक फीचर दिया गया है ऑटो ऑन ऑफ, तो वो फीचर जो है ना रेड लाइट वगैरह पे काम करता है। यदि आप रेड लाइट पे रुकते हो उसके बाद में आपने गाड़ी न्यूट्रल कर ली और क्लच पर से पैर हटा लिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मतलब क्लच से पैर जैसे ही आप हटाओगे ना तुरंत गाड़ी बंद। यदि 2-3 मिनट आप वहां पे रुकते हो या फिर 5 मिनट बाद जो है गाड़ी ऑन हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर से जो है गाड़ी आपको लाइक वो चलानी पड़ेगी एंड फिर जो है वो ऑटो ऑन ऑफ फीचर काम करेगा। यदि आप सिटी में चल रहे हो तो क्या है कि आपका फ्यूल कंजप्शन जो है काफी सही होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है जब भी आप रेड लाइट पे रुकोगे तब। बाकी ये फीचर जो है सही लगा मेरे को तो, और ऑटोमेटिक एसी है तो एसी की परफॉर्मेंस जो अच्छी खासी मेरे को मिल रही है, मैंने ऑटो मोड पे डाल रखा है तो अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस मेरे को मिल रही है। भाई गाइस आप ये बताओ मेरे को कि इंटीरियर आपको कैसा लगा? मेरे को तो इंटीरियर मस्त लगा है इसका, बढ़िया है। और 360 व्यू दिखाऊं, इसमें भी एक लैग है, ये देखो लैग ये है कि सिर्फ उस साइड का दिखा रहा है, बीच में कुछ भी नहीं दिखा रहा गाड़ी का। आई थिंक ये जब रनिंग पोजीशन में हो तो शायद नहीं दिखाता, 20 से नीचे भी आप चल रहे हो तो शायद ये सारा दिखा देता है, तो वहां पे जो है सब कुछ दिखता है। लेकिन जब अभी मैं चल रहा हूँ 20 से ऊपर तो सिर्फ साइड एंगल दिख रहा है मेरे को, उस साइड के टायर मतलब वो वाला कैमरा दिख रहा है जो मेरे को लेफ्ट मिरर में मिलता है, वो कैमरा देख सकते हो। तो ये कुछ सीन है। और इसमें ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। जो विजिबिलिटी है मतलब बोनेट तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हैचबैक वगैरह सेडान वगैरह काफी कम दिखता है इनमें अपने को, तो दिखता ही नहीं है ना के बराबर, बट थोड़ा सा अंदाजा अपने को लेना पड़ता है। और सुबह सुबह क्या हुआ यार, मेरी गाड़ी थोड़ी सी टच भी हो गई, तो ये है कि अपनी गाड़ी की नजर भी उतर चुकी है, तो वो जो है ना शुभ माना जाता है काफी जगह लाइक हमारे जो गांव आओ तो वहां पे शुभ माना जाता है ये सब चीजें, कि गाड़ी यदि नहीं लेके आते वो थोड़ी बहुत लाइक स्क्रैच वगैरह लग जाती तो वो क्या है सुबह है वहां पे, तो उसका हम जो है भाई ऐसे मानते। बाकी आप बताओ आपके यहाँ पे भी मानते हैं नहीं मानते, बट बम्पर पे थोड़ी सी नीचे की साइड लगी है गाड़ी लाइक डिवाइडर से जो है टच हो गई थी थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कलर भी अपना ऐसा है कि दिखती भी नहीं है वो तो। और बाकी अभी मैं 360 व्यू को जो है बंद कर लेता हूँ, यहाँ पर बंद कर लिया मैंने। और जो ये HUD डिस्प्ले है ना, इसको मैं यदि ये बटन प्रेस करके रखूँ ना HUD वाला, तो ये बंद हो जाएगी, दोबारा से प्रेस करूँगा तो खुल जाएगी। इस पर भी जो ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, अप डाउन के सारे बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो उससे जो आप अप डाउन इसको कर सकते हो। बाकी चलाने में गाड़ी अच्छी है, यहाँ पे मैं भगा के तो देख नहीं सकता, तो उसके लिए क्या है मैंने अलग से परफॉर्मेंस वीडियो डाल दी है, आप जाके वो देख लेना चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी इस क्लच वगैरह काफी लाइट है, ब्रेकिंग भी जो है अच्छी खासी है गाड़ी में, ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी है, पहले से इंप्रूवमेंट है। जो इसका कम्फर्ट लेवल है वो सीरियसली गजब है, लाइक जो चीज मेरे को मैं वो बोलूंगा जो चीज मेरे को लगी, बिकॉज मेरे को किसी ने इन्वाइट नहीं कर रखा, मेरे को किसी ने गाड़ी अलाइन नहीं कर रखी, ना कंपनी वालों ने ना किसी और ने, ठीक है गाड़ी अपने पैसों की है, तो जो मेरे को लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हो या फिर मेरी बातें आपको सही लगे तो। इस गाड़ी को कौन ले सकता है कौन नहीं मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कंफर्ट सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो कंफर्ट जो है गाड़ी का अच्छा खासा है, लाइक सीट वाइज बता रहा हूं मैं, सीट की कुशनिंग वगैरह जो है ना काफी अच्छी दी गई है। और यहाँ पे जो है आप सीट कवर नहीं लगवा सकते जैसा कि कंपनी वालों का कहना है, क्योंकि एयरबैग वगैरह का सिस्टम है यहाँ पे, तो वो बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे सस्पेंशन जो है ना ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है, कंपनी बोलती है इंप्रूवमेंट की है, 19-20 का फर्क है, ज्यादा मेरे को फर्क यहाँ पे नजर नहीं आया। लेकिन ये पहले जो साउंड आती थी ना वो साउंड अब नहीं आती, और कैबिन जो है काफी साइलेंट है इस गाड़ी का, जैसे कि आप फील कर पा रहे होंगे। IRVM जो अपनी गाड़ी का ऑटोमेटिक है, और दोनों ही यहाँ पे वेंटी मिरर आपको मिल जाएंगे, बट एक कमी है यार यहाँ पे, अभी भी इन्होंने हेलोजन दे रही, मतलब हेलोजन नहीं देनी चाहिए यार, LED देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं। और स्टेयरिंग जो है काफी सही लगता है इसका। बाकी यही गाड़ी जो है चलाने में बिल्कुल ही स्मूथ है, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी ठीक है, बट 120 के बाद जो है ना लाइक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता यार कि उसके बाद आप गाड़ी को और ज्यादा खींचो, तो वो वाला कॉन्फिडेंस तो आपको मिलेगा नहीं। बट 120-110 यार नहीं चलानी चाहिए वैसे तो, बट 100 तक जो आप चला सकते हो नो इश्यू, वहां तक आप आराम से गाड़ी को चलाओ। वो देखो ओल्ड बलेनो कैसे बगी जा रही है, तो गाड़ी तभी भाई इमरजेंसी हो ना तभी मतलब आप निकलो ऐसे, बट वैसे तो भाई आप नॉर्मल चलो तो ज्यादा बेटर होगा। और हो गई है लगभग 7-8 मिनट की वीडियो हो गई है, तो
अभी मेन चीज आती है कि कौन बंदा इस गाड़ी को ले सकता है भाई, वही बंदा लेना जिसको फैमिली में गाड़ी नीड चाहिए, लाइक फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग जो है अच्छी गाड़ी है, लाइक फैमिली के लिए, लाइक कंफर्ट भी अच्छा है, तो फैमिली के लिए बेस्ट कार है। मैं बोलूंगा फैमिली वाले बंदे जो इस गाड़ी को ले सकते हैं, और जिनको रफ टफ गाड़ी चलानी है बिल्कुल भी मत जाना, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जाना आप लाइक एसयूवीज की तरफ इस प्राइस में 10.5 लाख में। वही बात है आकाश पवार या अरुण पवार वाली कि भाई VXi आ जाती ब्रेजा, बट क्या होता है ना कि जिनको प्रीमियम चीजें पसंद है, एक बार बेस चलाने के बाद प्रीमियम ही पसंद आती है, फिर जो है बेस मॉडल पे विश्वास उठ जाता है, तो बेस मॉडल मैंने इसीलिए नहीं लिया। और यहाँ पे यूवी प्रोटेक्शन जो है ना अपने ये लग रहे हैं ग्लासेस वगैरह टिंटेड, तो क्या है आपको इतनी हीट भी जो है फील नहीं होगी आपके हैंड वगैरह पे, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। और जो मिरर का व्यू है वो भी मेरे को काफी अच्छा मिल जाता है, और बाकी तो जो है गाड़ी अच्छी है। और किनको नहीं लेनी चाहिए उन्हें बता दिया, जो रफ टफ चलाते हैं भाई जाना आप लाइक पंच वगैरह नेक्सोन वगैरह उनकी तरफ चले जाना, ब्रीजा वगैरह की तरफ चले जाना, ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है ये। गाड़ी जो है फैमिली के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, पीछे कैबिन में भी जो है स्पेस अच्छा खासा है, और चलने में भी अच्छी है यार, माइलेज भी अच्छी है, 17.8 शो कर रहे हैं, तो माइलेज वगैरह भी जो है गाड़ी अच्छी देती है, ऐसा नहीं कि माइलेज नहीं है, हर तरीके से गाड़ी अच्छी है। सो गाइस ये था इसका एक ड्राइव रिव्यू, आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, और MID के फीचर्स के बारे में अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, HUD भी जो आपको अलग से जो एक्सप्लेन करूंगा, HUD की जो ब्राइटनेस है ना दिन में भी मतलब बिल्कुल क्लियर दिखती है, ये देखो आप लाइक दिन में भी बिल्कुल क्लियर दिखती है, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं दिखती ब्राइटनेस कम है या फिर ऐसा कुछ, कुछ नहीं मस्त दिखती है और मजा आता है। लाइक मीटर तो मैं बहुत ही कम देख रहा हूँ, मैं सामने ही देख लेता हूँ, स्पीड मेरे को देखनी होती है तो, क्योंकि सामने जो है ना वो सही दिखाती है बिल्कुल। तो ये है यार आज का एक ड्राइव रिव्यू, अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में किसी बलेनो के साथ में कोई और वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।